नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस सेकेंड लेक्चर में आप सभी का बहुत स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था सेट्स यानी कि समुच्चय के बारे में, सब सेट्स के बारे में और दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपने सेकेंड लेक्चर में कि दो सेट में रिलेशन यानी कि संबंध कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और ये टॉपिक है रिलेशंस। क्या है संबंध? तो क्या है संबंध? एक सेट ए है और एक सेट बी है। मान लेते हैं कि दो समुच्चय हैं, आर एम्प्टी समुच्चय है यानी कि नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो कोई रिलेशन आर यानी कि रिलेशन किसे कहेंगे, सेट ए से सेट बी में किसे कहेंगे, जिसे भी कहेंगे वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, ए लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी के बारे में कल हमने स्टडी किया था। ए क्रॉस बी क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट में बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करता है। तो उसी ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट का ये क्या होगा, आर सबसेट होगा। यानी कि आर एक रिलेशन होगा सेट ए से सेट बी में, अगर ये आर क्या हो, ए क्रॉस बी का सबसेट हो। ठीक है, आर ए क्रॉस बी का सबसेट हो। फिर इसके आगे चलते हैं और कुछ एक आधी एग्जाम्पल की वजह से आपको समझाता हूँ कि कैसे हम बता पाएंगे कि आर सबसेट होता है या आर है क्या। बेसिकली आर क्या है, आर एक रूल होगा, एक नियम होगा, दो एलिमेंट को प्लस करने का या दो एलिमेंट को माइनस करने का या कुछ मल्टीप्लाई करने का, ऐसे ऐसा कुछ रूल बना रहेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि फैमिली का एग्जाम्पल लेके कहते हैं कि दो लोग हैं और उनमें से एक दूसरे के वाइफ है, तो एक रिलेशन हो गया, या एक दूसरे के वो वाइफ है, या दोनों में से एक दूसरे के वो ब्रदर, तो वो एक रिलेशन हो गया। तो एक रूल से वो दोनों लोग जुड़ गए, और उसी रूल को यहाँ पे कहा जाएगा क्या, एक रिलेशन है। लेकिन कब कहा जाएगा, अगर वो उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लो हमारे पास एक सेट ए है और इस सेट में हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, चलो 4 लेते हैं, और सेट बी जो है इसमें हमारे पास एलिमेंट है मान लो 3 है 4 है और 5 है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट पता कर लेता हूँ, रिलेशन अपना अलग अलग डिफाइन करके चले जाएंगे। एक क्रॉस प्रोडक्ट एलिमेंट नहीं, इन दोनों का ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट आ जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है हमने कि फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड पोजीशन में सेकंड एलिमेंट, ये 1 लिया यहाँ पे, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, फिर दूसरा यहाँ का 1 लिया और यहाँ का दूसरा एलिमेंट 4, फिर 1 लिया और यहाँ का एलिमेंट 5, फिर ऐसे अब 2 ले लीजिए, 2 के साथ में 3, फिर 2 के साथ में 4, फिर 2 के साथ में 5। ठीक, अब 3 के साथ में 3 के साथ में 4, 3 के साथ में 5। ठीक है, फिर 4 के साथ में 3, 4 के साथ में 4 और 4 के साथ में 5। ये इतने एलिमेंट में एक क्रॉस बी में मिल जाएंगे। ठीक है, एक और अब इसी पे एक रूल डिफाइन कर देते हैं कैपिटल आर, जिससे हमें बताना है कि ये रिलेशन होगा। तो इसको हम कहते हैं आर इक्वल टू, कुछ इस तरीके से है कि ये उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, ये उन सभी क्रमित युग्मों का संग्रह है, जिसमें कि ये जो ए है, अगर इसमें से अपन बी को माइनस कर देते हैं या चलो और थोड़ा इजी कर देते हैं, इस तरीके का सेट है कि ए जो है छोटा है या बराबर है इसके बी से, और इसे कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आर के वो सभी एलिमेंट आएंगे जिसमें जिसमें पहला एलिमेंट
दूसरे एलिमेंट से या तो छोटा हो या तो बराबर हो, बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो छोटा हो या तो बराबर हो। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा संभव है यहाँ पे, या कितने एलिमेंट ऐसे कलेक्शन में आ सकते हैं। ये वन है, ये थ्री है, वन थ्री से छोटा होता है ना, होता है भाई, होता है तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। वन फोर से भी छोटा होता है, ये भी आ जाएगा। वन फाइव से भी छोटा होता है, बिल्कुल होता है, ये भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वन और फाइव। टू थ्री से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, होता है, तो ये हो जाएगा टू थ्री। टू फोर से भी छोटा होता है, होता है भाई। आगे चलते हैं, टू फाइव से भी छोटा होता है, बिल्कुल होता है। और आगे चलते हैं तो मैं ये कलेक्शन आपको बता देता हूँ थोड़ा। हाँ अब फाइव भी आता है, आगे चलते हैं। थ्री थ्री के, थ्री थ्री से छोटा नहीं, थ्री थ्री के क्या है, बराबर। और बराबर का क्या आएगा, यहाँ पे सकते हैं भाई, बराबर वाली कंडीशन हम लेंगे सर। थ्री फोर से छोटा है, बिल्कुल, तो थ्री फोर थ्री ले सकते। थ्री फाइव से भी छोटा है, ये भी आ जाए। फोर थ्री से बड़ा है, तो ये इस आग में नहीं आएगा। फोर फोर के बराबर है, तो फोर 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 भी आ गया। फोर फाइव से भी छोटा है, तो फोर फोर फाइव भी आ गया। ये इतने सारे एलिमेंट हमारे पास एक रोशनी में आए। अब अगर हम यहां से इन सभी एलिमेंट को देखें तो ये सभी के सभी एलिमेंट इसी ए क्रॉस बी से ही है। एक भी एलिमेंट इस आर में ऐसा नहीं है जो कि इस ए क्रॉस बी का ना हो। अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है आर में जो कि ए क्रॉस बी का नहीं होता है, तो फिर ये आर रिलेशन नहीं चल जाता है, ठीक है। क्योंकि कल हमने डिस्कस करा था कि सबसेट केवल तभी बोलेंगे जब इस सेट का हर एक मेंबर इस सेट में बिलोंग कर रहा हो। और रिलेशन की यानी कि संबंध की डेफिनेशन में पढ़ा कि R क्या होता है, एक सबसेट होता है एनी का। इसका मतलब R का हर एक मेंबर, R का हर एक मेंबर कहाँ होना चाहिए, A क्रॉस B में होना चाहिए। तो अगर हमें एक भी एलिमेंट इसमें ऐसा मिल जाता है जो कि इस एक A क्रॉस B में नहीं है, तो यह रिलेशन नहीं कह जाएगा। या यूं कहते कि R में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं या जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो सभी के सभी कहाँ रहेंगे, A क्रॉस B में रहेंगे। अगर ऐसा हो पाएगा तो ये रिलेशन होगा। आगे बात सुनते हैं, चलिए अगर रिलेशन क्या होगा कि क्या होगा, सबसे पहले हमें एक ए बी जो सेट दिया हुआ है इनका क्रॉस प्रोडक्ट पता करना। क्रॉस प्रोडक्ट पता करने के बाद आर जो सेट दिया है वो हमें लिखना है। अब एक बात ध्यान रखना कि कहीं मान लो ए और बी में बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट, दस दस एलिमेंट मान लो एक सेट में, दस सेट में बीस, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे कितने आ जाएंगे, 10 20 का मल्टीप्लाई करोगे 200 हो जाएगा। अब 200 एलिमेंट अगर लेते बैठोगे सुबह से शाम हो जाएगा, टाइम से आ जाएगा। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टाइम बचा के रखना है। मैं एक क्रॉस भी नहीं लिखेंगे, तरीका निकालेंगे उसे भी पढ़ने का, ठीक है, आ जाएगा आपको भी समझ में। थोड़ा सा अपन पढ़ते चलेंगे तो बेहतर अपन चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऐसा एक एग्जाम्पल छोटा सा अपन ले लेते हैं। मान लो एक सेट ए है जिसमें हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है, दूसरा सेट बी है जिसमें हमारे पास मान लो 4 और 5 दो ही एलिमेंट है। तो अगर इसमें एक सेट ए डिफाइन, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, 1 होगा 4 होगा और 1 होगा 5 होगा। सिमिलरली 2 होगा 4 होगा, 2 होगा 5 होगा, 3 होगा 4 होगा और 3 और 5 इतने सारे एलिमेंट इसमें आए हैं। अब अगर हम इसमें एक दो टर्म समझने की कोशिश करें, एक की इस रेंज, इस रिलेशन का यानी कि संबंध का डोमेन क्या है और इस रिलेशन का रेंज क्या है, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं कि इस संबंध का प्रांत क्या है और इस संबंध का परिसर। वेरी 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 इजी कि हम किसे बोलते हैं प्रांत, हम प्रांत उसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, उन फर्स्ट एलिमेंट का आर अगर रिलेशन है। देखो आर क्या है, यदि आर क्या है, आर इज रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर अगर रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, तो
रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स का जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ऐसे ही सेकंड सेकंड जो एलिमेंट है उसके सच दैट के लिए ए भी कहाँ बिलोंग कर रहा हो और रिलेशन में डिफाइन कर रहा, रिलेशन में लग रहा हो तो उसे क्या कहा जाएगा, रेंज कहलाएगा। फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। सेकंड एलिमेंट का जो सेट रहेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन, सेकंड एलिमेंट का सेट रेंज। कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे फटाफट अपन देख लेते हैं रिलेशन डिफाइन करके कि भाई डोमेन क्या है, तो अगर बात करें कि डोमेन कितना है इस रिलेशन आर का डोमेन कितना है, तो डोमेन की बात हमने कही है कि डोमेन जो होता है यानी कि प्रांत जो होता है वो क्या होता है, उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो कि बिलोंग करते हैं रिलेशन आर में। ठीक है, रिलेशन आर ये इसके फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, वन वन टू टू थ्री थ्री, यानी इसका डोमेन कितना आ जाएगा, वन टू थ्री। आई बात समझ। ऐसे ही अपन रेंज पता करते हैं, सब क्या आ जाएगा, लास्ट लास्ट एलिमेंट फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव, यानी कि फोर और फाइव फोर और फाइव फोर और फाइव, ये एलिमेंट आ रहे हैं। तो जब बात करेंगे रेंज की अपन, तो रेंज कितना आ जाएगा, फोर फोर फाइव, यानी कि जो सेट बी है वो एक रेंज का काम कर रहा है, सेट ए जो है वो डोमेन का काम कर रहा है। तो ये ऐसा मत समझ लेना कि जो पहला सेट होता है वही पूरा का पूरा डोमेन होता है, तो जो दूसरा सेट होता है वही पूरा का पूरा रेंज का काम करता है, वो अलग अलग रिलेशन में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये भी क्या है कि कितने रिलेशन क्या हम किसी दो सेट पे एक से ज्यादा रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे, किसी सेट पे एक से ज्यादा रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे, तो बात आती है यस बिल्कुल डिफाइन कर पाएंगे। अगर हमें पता करना है लंबा ग्राफ और रिलेशन कितने हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं टू की पावर एम क्रॉस एन, जहाँ पे एम जो है, एम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है ए सेट में, और एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है बी सेट में। ठीक है, इतने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ रिलेशन के टाइप्स को स्टडी कर लेते हैं और विथ एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे रिलेशन क्या है, कौन सा टाइप का रिलेशन है। जैसे कि अभी अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था, एक सेट ए लिया है मैंने जिसमें वन टू थ्री एलिमेंट है, और सेट बी लिया है जिसमें फोर और फाइव एलिमेंट है, और इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट बता दिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास वन वन फोर वन फाइव और टू फोर और टू फाइव, फिर थ्री फोर और थ्री फाइव, इतने एलिमेंट हमारे पास आएंगे। ठीक है, अब इसके आगे एक हमने रिलेशन आर डिफाइन किया था जिसमें उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट छोटा या बड़ा है, और ये हमने देखा तो कितना आया, वन आया फोर आया, वन आया फाइव भी है, टू है फोर है, टू फाइव भी है, थ्री फोर भी है, और थ्री फाइव भी है। अब अगर हम इस रिलेशन आर के सेट को देखने जाते हैं तो हमें दिखता है कि ये पूरा का पूरा सेट जो है ए क्रॉस बी के बराबर, ये पूरा का पूरा सेट किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो जब कभी ऐसा होगा कि रिलेशन में जितने भी मेंबर आ रहे हैं वो सभी के सभी मेंबर कहाँ के हैं, ए क्रॉस बी के हैं, तो ऐसे रिलेशन को बोलेंगे हम क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। क्यों, जब जब
आर जो है इक्वल हो जाता है ए क्रॉस बी के, यानी कि आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट आर में है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर, और इस तरह के रिलेशन को हम बोलेंगे क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि सार्वत्रिक संबंध। कब होगा ये कंडीशन? ठीक, डन। नेक्स्ट नेक्स्ट इसी में एक दूसरा रो कथन दिखाई कर रहे हैं, इसी में एक दूसरा रो कथन मन से दिखाई कर रहे हैं, और उस रोग को अपन नाम दे रहे हैं कि सर एक रिलेशन अपन आर टू ले लेते हैं और इसे डिफाइन करते हैं, उन्हें सभी ऑर्डर पेयर रिलेशन रहेगा कि सच है ए जो है बड़ा है ए है, जो ए है वो पूरा का पूरा बड़ा है इससे बी से, मतलब बराबर भी नहीं हो सकता, बड़ा है स्पेशली बेटर है, वन छोटा है, वन फाइव से भी छोटा, टू फोर से छोटा, टू फाइव से भी छोटा, थ्री भी फोर से छोटा, थ्री फाइव से भी छोटा, एक भी एलिमेंट नहीं मिला हमें यहाँ पे, एक भी एलिमेंट इस ए क्रॉस बी में ऐसा नहीं है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट बड़ा हो सेकंड एलिमेंट, और जब कभी ऐसा होगा कि आर का एक भी मेंबर हमें ए क्रॉस बी में नहीं मिलेगा, यानी कि आर मिलता है फाइव, तो हम ऐसे रिलेशन को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन, यानी कि रिक्त संबंध। आगे बात समझ, तो अगर ऐसा होता है हमारे पास कि ए क्रॉस बी में हमें एक भी एलिमेंट नहीं मिलते हैं, तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, यानी कि रिक्त संबंध। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट एम्प्टी रिलेशन पढ़ लिया हमने, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक दो टाइप ऑफ है, देखो अगर मान लो ऐसा केवल एक ही सेट इस बार, और इससे कहते हैं कि ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, कैसा? देखो इसी का एक क्रॉस एक दिया तो निकालेंगे क्या आएगा, वन टू आएगा, वन थ्री आएगा, थोड़ा सा और इधर से लिखता हूँ, एक क्रॉस ए कितना आएगा हमारे पास, वन वन आएगा, वन टू आएगा, वन थ्री आएगा, टू वन आएगा, टू टू आएगा, थ्री वन आएगा, थ्री टू आएगा, और थ्री थ्री भी आएगा। इस तरीके से हमारे पास जो है इतने सारे एलिमेंट आ गए। अब मैं इसमें एक रोल डिफाइन कर रहा हूँ, इसको नाम दे देता हूँ आर थ्री, और इस रोल को कह रहा हूँ कि हम इसमें ऐसे ही एलिमेंट आने देंगे जिसके दोनों एलिमेंट सेम है, जिसके दोनों एलिमेंट क्या है, सेम, ठीक है, जिसके दोनों एलिमेंट क्या हो गए हैं, सेम हो गए, जहाँ पे ये जो ए है कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट इन, सेट के बाहर का नहीं होना चाहिए। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं, वन वन आ रहा है और टू टू आ रहा है और थ्री थ्री आ रहा है, तो इस तरह के रिलेशन को जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट दोनों ही एलिमेंट सेम रहेंगे, इस तरह के रिलेशन को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। कैसे रिलेशन को आइडेंटिटी, ऐसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट दो के दोनों ही सेम है, इक्वल है, इस तरह के रिलेशन को कहा जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अब एक टर्म यहाँ पे और हमें समझनी है, और वो टर्म है हमारे पास इनवर्स रिलेशन। क्या इनवर्स रिलेशन,
मान लो एक रिलेशन आर है जो कि डिफाइन है कुछ इस फॉर्म का ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ठीक है, इस फॉर्म में डिफाइन है सच दैट ए बिलोंग करता है सेट ए में, बी बिलोंग करता है सेट बी में। अभी मैंने ये दोनों सेट के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो ये दोनों सेट क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी कि आर के समुच्चय है ए और बी। तब अगर ऐसा रिलेशन हम डिफाइन कर पाते हैं आर इनवर्स जो कि उस इस फॉर्म का हो, इसका जस्ट उल्टा ये ए बी तो बी के हो सच दैट ए बी बिलोंग कर रहा हो आर में, यानी कि आर में कितने एलिमेंट हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे उसको सेकंड पे कर दो, सेकंड वाले को फर्स्ट पे कर दो, और देखो वो एलिमेंट अगर वो एलिमेंट का जो सेट आएगा वही एलिमेंट का सेट क्या कहलाएगा, इनवर्स रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे 1 2 है तो 2 1 भी आर आर, 2 1 1 3 आर में बिलोंग कर रहा तो 3 1, और 1 4 आर में बिलोंग कर रहा तो 4 1, इस तरीके से जो सेट आएगा उसे कहा जाएगा इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक पे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, कुछ 3-4 रिलेशन को डिस्कस करना है हमें, क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ये काम आएंगे, ठीक है। आगे जो भी मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे उस मैथमेटिक्स में इनका बहुत ज़्यादा रोल लगेगा, और इसमें कुछ हम 3-4 डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन की। इससे फर्स्ट रिलेशन है रिलेशन, रिलेशन यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है क्या, स्वतुल्य, हिंदी में कहा जाता है स्वतुल्य संबंध, स्वातुल्य मतलब जो रिलेशन खुद पे ही डिफाइन हो जाए, खुद के लिए एकदम परफेक्ट सेटिस्फाई हो रहा हो, तो उस एलिमेंट को, उस रिलेशन को कहा जाता है स्वातुल्य रिलेशन। मान लो आर को ये रिलेशन है, मान लिया गेट आर बी ए रिलेशन, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू A ही लेते हैं टू सेट A, देन R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव इफ A A belongs to A, यानी कि हर एक ए के लिए ये ए और ए बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे, और उसी सेट आर में। अब बात आती है, अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि अगर ए ए बिलोंग करता है आर में तो उस रिलेशन को कहा जाएगा कि वो आइडेंटिटी रिलेशन है, उस रिलेशन को क्या कहा जाएगा कि वो एक आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो भाई ये क्या, ये भी तो आइडेंटिटी हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन में अभी हमने क्या पढ़ा कि ए ए बिलोंग करना चाहिए आर में, है ना, तत्समक संबंध कहा जाता है उसको, तत्समक संबंध में हमने पढ़ा कि ए ए बिलोंग करना चाहिए आर में, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे कि वो आइडेंटिटी रिलेशन है। और यहां पर मैं अभी आपको बता रहा हूं कि अगर ए ए बिलोंग करेगा आर में तो हम इसे रिफ्लेक्शन बोलेंगे, तो ऐसा क्यों है। अब ऐसा इसलिए है कि वहां पे जो कंडीशन थी वो हर एक एलिमेंट्स के लिए नहीं थी, कि जितने भी एलिमेंट हैं सभी के लिए वो सेटिस्फाई, आर जो भी आ रहे हैं अगर ऐसे ऐसे एलिमेंट उसमें हैं तो वो कहलाएगा आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए कहा जा रहा है, हर एक एलिमेंट का खुद के साथ में उस रिलेशन को अप्लाई किया जाए तो वो रिलेशन फॉलोअप होना चाहिए, यानी कि रिजल्ट यहाँ से ये निकलता है कि ये सभी के लिए सही है, आइडेंटिटी सभी के लिए जरूरी नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का।
आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों सेम है। ये हर एक एलिमेंट के लिए, उसमें कंपनसेशन नहीं है कि हाँ हर एक एलिमेंट के लिए सेम हो ही, ठीक है। बस इतना सा अंतर है, और उसे कहा जाएगा क्या, उसे कहा जाएगा कि वो आइडेंटिटी रिलेशन है, और इसे कहा जाएगा रिफ्लेक्शन रिलेशन। ठीक, आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तबके अपन सम सॉल्व करके देखेंगे। अभी हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर सम देखेंगे, नहीं तो अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर यार अभी अपन कर लेते हैं थ्योरी पोर्शन, फिर जो है एक साथ जो है सम को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो रिलेशन है, नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक रिलेशन, सममित, क्या है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध। अब ये क्या होता है, मान लो आर एक रिलेशन है, आर क्या है एक रिलेशन, और ये आर कहलाएगा सिमेट्रिक, आर कहलाएगा सिमेट्रिक, कब आर सिमेट्रिक कहलाएगा, कब इफ ए बी बिलोंग कर रहा हो इस आर में, और ये हमें इंप्लाई कर दे कि बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, और एवरी ए बी बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। क्या कब ये सममित होगा यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा, अगर ए बी बिलोंग कर रहा हो आर में, ए बी बिलोंग कर रहा हो आर में, और हमें यह रिजल्ट मिल जाए कि बी ए बी आर में बिलोंग करता है, तो ऐसा रिलेशन क्या कह जाएगा, क्या कह जाएगा सिमेट्रिक कह जाएगा, यानी कि सममित कह जाएगा। जैसे मान लो वन और थ्री कोई रिलेशन आर में बिलोंग करता है आर में, और ये हमें इंप्लाई कर दे कि थ्री और वन भी बिलोंग करता है आर में, तो ऐसे रिलेशन को कहा जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, एक बात ये ध्यान रखना है कि ये कंपल्सरी है बिलोंग होना, तभी हम इसको प्रूव करने के लिए जाएंगे। अगर ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है जरूरी नहीं है कि ये इसका उल्टा बिलोंग करे, तो अगर ये आर में बिलोंग करेगा तभी हम इसको बिलोंग करवाएंगे कहां पे, और अगर ये आर में बिलोंग नहीं करवा रहा कर पा रहा है तो इसके लिए हमें ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ये चीज ध्यान रखेंगे, अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, उनके मन में जो नंबर जो एक बार भी में नंबर आया उनको लेके ढूंढने लग जाते हैं कि भाई इसका आउटर क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। कंडीशन है हमारी कि जब तक एक ए बी यानी कि ऑर्डर पेयर ए बी आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, जब तक हम उसको बी ए को रिलेशन में बिलोंग करता हुआ ढूंढने में नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप करते हैं, और ये जो टाइप है ये है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन इसे बोला जाता है संक्रमक, संक्रमक संबंध। अब भैया ये तो बहुत मतलब ये तो एकदम समझ में आ गया होगा संक्रमण क्या है, जैसे कि अभी पेंडेमिक कोरोना वायरस का चल ही रहा है, एक से दो, दो से चार, चार से दस, दस से पचास, ऐसे फैलते जा रहा है, तो ये एकदम बिल्कुल भाईचारे वाला, तो भाईचारे वाला रिलेशन है। मैं आपका दोस्त हूँ और आपका दोस्त दूसरा भी है कोई, तो अगर वो मेरा दोस्त हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, यानी कि संक्रमण कहलाएगा। मैं तेरा भाई, वो तेरा भाई, अगर वो भी मेरा भाई हो गया तो क्या हो गया, ये भाई भाई का ट्रांजिटिव रिलेशन। आगे बस तो भाईचारे का जो रोल होता है उसे कहा जाता है क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे कि ए बी ये बिलोंग कर रहा हो आर, आर में ये रिलेशन है, बी सी ये बिलोंग कर रहा हो आर में, तो अगर हम ये कहते हैं देखो ए का रिलेशन है बी से, ए दोस्त है बी का, बी दोस्त है सी का, और हम कुछ ना कुछ जोड़ जाड़ के बता दें कि ये ए दोस्त है सी का,
तो यही हो क्या कह जाएगा ट्रांजिटिव कह जाएगा, यानी कि ये इम्प्लाई हो जाए कि एसी बिलोंग्स टू आर, तो एसी रिलेशन आर को कह जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, ए बिलोंग, ए और बी दोस्त है, बी और सी दोस्त है, तो जो कॉमन है ना दोनों में वो गायब हो जाएगा, है ना। मैं आपका दोस्त हूँ, आपका कोई दूसरा दोस्त है, तो आप उससे गायब हो जाओगे, मैं और वो दोस्त बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, है ना। ऐसा जानकारी है, ऐसा नहीं होता है, ये मैथ्स में यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, और अगर ये इम्प्लाई कर दे कि ए सी से रिलेटेड है, तो इसे क्या कहा जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। अब इसमें फिर से यही शर्त है कि भैया ये ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में और बी सी बिलोंग करना चाहिए आर में, और ध्यान ये भी रखना है यहाँ का जो लास्ट वाला एलिमेंट है यहाँ का फर्स्ट वाला एलिमेंट होना चाहिए, गायब इसी को होना है ना, छोड़ के यही जाएगा, तो ऐसा में घूमना पड़ेगा कि जो यहाँ पे लास्ट में है वो यहाँ पे फर्स्ट में आए, ताकि इसको भगा सके अपन। ठीक है, अगर ऐसा कर पाते हैं, ऐसा बता पाते हैं कि ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, और फिर हम बता पाते हैं कि ए का बी सी से रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को ही कहा जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट भी है, ये तो थर्ड तक आ गए, नंबर आगे फर्स्ट ही लगा है, तो फोर्थ नंबर का जो सम है वो है एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब ये क्या है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, क्या होता है, आपने भी, आपके पास मेरे से ज्यादा पैसे, मेरे पास आपके से ज्यादा पैसे, मेरे पास आपसे ज्यादा पैसे, आप बोलते हो आपके पास मुझसे ज्यादा पैसे, तो किसका ज्यादा है, यही कहता है ये रिलेशन। कहता है अगर अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, बी ए भी बिलोंग करता है आर में, तो ये केवल और केवल तभी संभव होगा जब ए बराबर हो बी के। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, सुंदर सुंदर, ए बी बिलोंग करता है आर में और बी ए ये भी बिलोंग करता है आर में, तो ये तभी संभव होगा। अरे यार ये सुंदर नहीं बनता, अरे अच्छा लगता है, सुंदर नहीं बनता यार, हाँ ऐसे, ये तभी संभव होगा जब ये जो है इसके हो जाए बराबर, है ना। आपके पास मेरे से ज्यादा पैसे, मेरे पास आपसे ज्यादा पैसे, तो तभी संभव हो सकता है जब हमारे और आपके पास इक्वल पैसे, हमें पता ही नहीं इक्वल है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल हैं, तब ये संभव होगा, ऐसे रिलेशन को कहा जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब थ्योरी पार्ट तो हमने कर लिया, एग्जाम्पल नहीं देखा एक भी, तो एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक, वेट कीजिए, कल हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, ये जो हमने चार रिलेशन अभी अभी पढ़े ताजे ताजे, कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, यानी कि कौन कौन से, स्वातुल्य, सममित, और ये क्या है भैया, संक्रमक है और एंटी सिमेट्रिक, इन चारों रिलेशन के पढ़ेंगे अपन एग्जाम्पल, और एक नया रिलेशन पढ़ेंगे, नाम सेक्रेट है, कल बता देंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।